Oh, American. Mm-hmm. Russian. Mm-hmm. Italian. Yeah. Oh, I love Italian girls. Hey, who are you? Who are you? I'm her husband. Marco! आइसक्रीम बढ़िया है, बहुत टेस्टी। अरे क्या हुआ? दूध ऑर्डर। मैंने किसी और की बीवी को किस कर दिया? के सामने कोई पत्नी को किस करता है क्या? पागल हो क्या? उसका मुंह दूसरी तरफ था। बीवी को किस करने पर इतना गुस्सा? तो भागो, भागो, अरे जल्दी भागो। भाग, ये सब चलता रहता है यार। अरे बाप रे, ये सब क्या है ब्रो? सब 1960 के गेटअप में क्यों है? आपको कभी यहाँ पर नहीं देखा? मैं प्रकाश नायरू जी की सिस्टर हूँ, एक प्रोजेक्ट के काम से आई थी यहाँ, मैरिज होने तक रहूंगी। अच्छा, हाँ, हेलो, अच्छा आपसे मिलकर। मस्त हट्टी कट्टी इंडियन छोरी लगती हो। व्हाट? मैं शादीशुदा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ब्रो, ये ऐसा सेटअप और ऐसा गेटअप, कोई थीम पार्टी लगती है। पैसे वाले लोग ऐसी ही पार्टीज करते हैं। वेलकम एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। यहाँ कुछ कम दिमाग वाले सोच रहे होंगे कि पैसे ज्यादा होने की वजह से मैं ऐसी पार्टियां रखता हूँ। उसने सुन लिया लगता है। वही तो, ये मूवी आपके लिए कहानी है, हमारे लिए जिंदगी। क्या बोला? इस फिल्म में सावित्री और जमुना जी का प्यार देख कर मेरे पिताजी ने हम दोनों भाइयों की दो सगी बहनों से शादी करवाई। 25 सालों से इन दोनों ने हमारे बीच कोई झगड़ा होने नहीं दिया। गुड गुड, दैट्स गुड। और इसी इंस्पिरेशन के साथ अपने दोनों बेटों की खुशी के लिए उनकी शादी दो बहनों के साथ करवाना चाहता हूँ। क्यों रे, तुम्हें परेशानी तो नहीं? ए, हमारे आउट हाउस से दो कुत्ते लेके आओ। कुत्ते किस लिए? उन्हीं से शादी कर लेते हैं डैडी। क्या हमने कभी आपकी बात टाली है डैडी? एक साल पहले ही ऐसी पार्टी रखकर अपने बेटों की शादी करवाई थी ना। अरे किसने बोला? ए, कौन बोला? रुको 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 रुको, You're right, gentleman. Last time announce किया था कि दो बहनों से शादी करेंगे, but बड़ी बहन नहीं मानी और छोटी बहन घर छोड़कर भाग गई। इससे मेरी बहन बुरा मान गई और घर छोड़कर चली गई। इस कहानी से आप लोग क्या समझे? यही कि आपकी फैमिली पागल है। फैमिली पागल नहीं है। ये सुन लेता है क्या? फिल्म की कहानी के जीवन का सत्य समझाने वाले समझदार लोग हैं। क्लैप। ओके ओके, अब देर किए बिना बहुओं को इंट्रोड्यूस करता हूँ। लेट्स वेलकम द टू ब्यूटीफुल प्रिंसेसेस। शायद दो बुढ़ी आएंगी, जमुना और सावित्री नाम होगा। ऐसे फेसेस होंगे कि हम देख देख के लोटपोट हो जाएंगे ब्रो। ओ, ऐसे। ब्रो, क्या है? देखो। ओ ब्रो। ये पूरी की पूरी फैमिली कहां से आ गई? बहुत फ्रस्ट्रेशन। मेरी होने वाली बहू हारिका, इस लड़की को एक दरिंदे ने शादी के 6 महीने बाद ही इस भोली भाली नादान को छोड़कर चला गया। इसकी छोटी बहन हनी देखिए कितनी क्यूट है। इस मासूम को एक बेवकूफ जो 6 फुट का है, क्या फायदा? दिमाग होना चाहिए ना। वो 6 फुट का बेवकूफ उस दरिंदे से इन्फ्लुएंस होकर दूसरे राक्षस की बात मानकर शादी के मंडप में छोड़कर भाग गया। ब्रो, ये हमारी तरफ इशारे कर रहा है, दूसरी तरफ से दूसरी जगह चलते हैं। कोई बात नहीं, ये दोनों अब हमारे घर की बहू बनेगी ताकि उन दरिंदों को अकल आए। ये क्या ब्रो, हम जहाँ जा रहे हैं वहीं इशारा कर रहा है? हमारी बीवियाँ इसके घर की बहू हैं। चलो। हाँ, देख लेंगे तो हम चुप क्यों बैठेंगे? यही यूरोप में घूम रहे हैं, मेरे पास लाइसेंस ही गन है, देखते ही डिस्काउंट। अरे छोटू छोटू, डिस्काउंट का मतलब दिवाली के वक्त बच्चे लोग पटाखे फोड़ते हैं ना। अच्छा वो क्या? लेट्स कम टू द पॉइंट। 1 हफ्ते में सगाई, 10 दिन में शादी, लेट्स एंजॉय द पार्टी। हेलो हेलो हेलो, क्या है? डार्लिंग, बफे इज रेडी, कम ऑन। या बफे लो, लगता है इसे बफे चाहिए। ये टकला कौन है? माय हस्बैंड। कहाँ तुम, कहाँ हो? टपका दे क्या? हा? बोलो तो अभी टपका देता हूँ। हम भी वही सोच रहे थे कि क्या हुआ? Leave me. आप यहाँ कैसे? हरिका, ये एंगेजमेंट कैसी, शादी कैसी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर झगड़ा हो भी गया तो हम बैठ कर खत्म कर सकते हैं ना? देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, हम लोग वापस इंडिया चलते हैं। ओहो,
ये पहले बता सकते थे ना, अब हम अंकल को क्या जवाब देंगे? दीदी प्लीज दीदी, वरुण बदल गया, उसका चेहरा देखो, मुझे वरुण चाहिए प्लीज दीदी प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अंकल से कुछ कह दूंगी। ओह माय गॉड, गॉड मस्ट बी क्रेजी। अरे क्या हुआ? अरे भरोसा कर लिया ना तुमने? भी भरोसा कर लिया ना? जानते हो मेरा विजुअल क्या था? अपना ईगो साइड में रखकर सिंपैथी वाला फेस बनाकर हारिका हारिका तुम्हारी बात ही सुनूंगा, जिंदगी भर तुम्हारे पैर में गिर कर रहूंगा, ऐसे रो रो कर छाती पीटोगी मैंने सोचा था, लेकिन मेरा विजुअल बिल्कुल मैच नहीं करता। दीदी मेरा भी विजुअल बिल्कुल मैच नहीं हुआ, सोचा था ये आकर मुझसे माफी मांगेगा, मेरे पैर पड़ेगा और जिंदगी भर कुत्ता बना के रखूंगी इसे। क्या तुम? अच्छा बदला ले रही हो, ज्यादा पैसे वाले लोग मिल गए तो हमें छोड़ रही हो? छोड़ दिया? किसने किसको छोड़ा? पत्नी को तुमने छोड़ा, शादी के मंडप में इसे छोड़कर आने वाला ये था। जानते हो आपके छोड़कर जाने के बाद क्या हुआ? कितने मैसेज कितने कॉल्स किए, आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। गुस्सा डिप्रेशन स्ट्रेस, समझ में नहीं आ रहा था किस पर उतारे, ऑफिस में किसी पर उतारते तो वो चुप नहीं बैठते, और इसी चक्कर में मेरा जॉब भी चला गया। मुझ में जो हिम्मत थी वो मेरी बहन में नहीं थी, पागल ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अरे क्या है ये सब? मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। एक काम करो, तुम लोग यूरोप आ जाओ, वहाँ तुम लोगों को अच्छा लगेगा। प्रकाश अंकल मेरे पापा के बचपन के दोस्त हैं, कई सालों बाद इंडिया आए थे, उन्होंने कहा अगर हमारी मर्जी हो तो उनके बेटों से हमारी शादी करेंगे, उन्हें मना करके तुम यूरोप में हो ये जानकर तुम्हारे पास आए, लेकिन तुमने क्या किया? तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया बहुत बुरा किया, अब ये शादी होके रहेगी। अरे हनी बेटा शादी कैसे कर सकते हो? हनी इज द बेस्ट, मैं जानता हूँ, मुझे देखो उसे देखो। वो जैसा भी हो तुम्हारी तरह मंडप छोड़कर नहीं भागेगा। हे तुम लोग शादी कैसे करते हो, हम भी देखते हैं। तो हम भी देखते हैं कैसे रोकोगे अंकल तुम लोगों को। अंकल के बेटों को कुचल के रख देंगे हम दोनों। क्या करेंगे, पकड़ेंगे, आने दो उनको। अनजान आदमियों से तुम क्या बातें कर रही हो? अनजान आदमी, ना जाने ये शनि कब हमारा पीछा छोड़ेगा। हाँ, चले आए हाथ हिलाते हुए। ऑल द बेस्ट, हनी इज द बेस्ट। वक्त आने पे देख लूंगा बेटा। तुम्हें देखकर दया आ रही है मुझे। इस घर में रहने का कोई आइडिया है? तुम लोग बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं। बोलो, बोलो, बोलो। वो उसकी सिस्टर है, मैंने उसे पटा लिया है, उसने कहा मुझे इस घर में रहने का प्लान बनाएगी। तो हमारा भी प्लान करो प्लीज प्लीज प्लीज। कौन हो तुम लोग? ये कैसा है ब्रो, उसकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है, अब उसे देखो। डोंट वरी ब्रो, भगवान है। हमारे साथ ही इतना हुआ है तो जिसकी दो बीवियां हैं उसके साथ क्या क्या होगा। आपकी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, अपने गांव भाग जाऊंगा मैं। घबराओ मत जान, तुमने क्या कहा था? टपका दे क्या, तुम कहो तो अभी टपका देता हूँ। मैंने मजाक में कहा था आपसे। मैंने तो सीरियसली ले लिया। मैं तो पहले से ही उस टकले से पीछे छुड़ाना चाहती हूँ। तुम राइट टाइम पर मिल गए मुझे। ये लो, अब ना नुकुर मत करो, जल्दी से उसका काम तमाम कर दो। मेरी दोनों बीवियां भी तो आ जाएंगी। हाय डार्लिंग, ये सुबह सुबह चाकू क्यों पकड़ रखा है आपने? खरबूजा काटने के लिए। मुझे तो लगा मेरा गला काटने के लिए। जोक कर रहा था, आइए ब्रेकफास्ट करते हैं। तेरी जोक कैसी के तैसी। काम 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 काम, गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। अरे रे रे, कम कम, गुड मॉर्निंग बेटी, यही है तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर, छोड़ना मत, फिनिश कर देना। लगता है इस फैमिली को और कोई काम नहीं है क्या? तुम सबको एक सरप्राइज बताने वाला हूँ, मेरी जिंदगी को बदलने के लिए दो दूत आने वाले हैं। छोटू, यमदूत आ रहे हैं। मैंने यमदूत नहीं कहा भैया, स्क्रिप्ट खुद मत लिखो, प्लीज रिलैक्स प्लीज। अच्छा अच्छा, अब से मेरा जैसा ध्यान रखते हो उनका भी वैसा ही रखना होगा, एक शब्द में कहूँ तो मेरे बेटों के बराबर है वो। लेट्स वेलकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल इन माई लाइफ।
मेरी आत्मकथा लिखने के लिए ये दोनों राइटर हैं, चंटी बंटी। हाँ हेलो। ईमानदारी से यहाँ अपना काम करना। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। किसी के कैरेक्टर को भूल मत जाना फेंकू। आपका कैरेक्टर तो धांसू लिखेंगे ना। हमारी कोशिश सफल हो इसलिए आपके होने वाली बहुओं से ओम लिखवाइए। व्हाट इज सेंटीमेंट। अरे भाई लिखो लिखो ना। यस यस यस। हमें सक्सेस मिले ये सोचकर ओम लिखिए। क्या लिखावट, क्या लकीरें हैं, संस्कार कूट कूट के भरा है। वेरी गुड, जॉइन अस फॉर द ब्रेकफास्ट। यस साहब जी। hey, गरम गरम कॉफी हाथ में क्यों लाया है? आप ही ने तो कहा था कॉफी हाथ में लेके आना, इसलिए मैं लेके आया। अरे अंदर जा। हाँ सर, जनरली आपको गुस्सा क्यों आता है? What? मतलब कैसे? कुछ भी कर दिखाऊंगा, कुछ भी कर दूंगा, उस टाइप का गुस्सा। मतलब माँ को संगीत बहुत पसंद है, इसलिए अगर कोई संगीत के ज्ञान के बिना गाए या रागों का मजाक उड़ाए, उस पर मुझे गुस्सा आता है। अच्छा अच्छा। तब मेरा रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है। आपने बताया नहीं कि आपकी बेटी सिंगर है? वो दरअसल इन्होंने किसी और को देखा होगा। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपने इस टैलेंट को दबाइए मत। इन्हीं आंखों से देखा था, इन्हीं कानों से सुना। गाना गाइए ना, चमत्कार हो जाएगा। तो फिर सोच क्या रही हो गांव ने बेटी? अगर एक दो दिन की प्रैक्टिस मिल जाए। प्रैक्टिस किस बात की, ये बाथरूम सिंगर थोड़ी ना है। ब्रो व्हाट इज दैट ब्रो? एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। इस सुरीली कोयल की आवाज तो आपको सुननी चाहिए। सुरीली कोयल, अब तो सुनना ही पड़ेगा। सेटअप तो अच्छा है लेकिन कुछ कमी है। हाँ, क्या कुछ तो है ब्रो। दिस मैन। यस यस, आप आइए, आप आगे बैठिए, अच्छा रहेगा। आइए बेटा, कमजोर दिल वाले को सामने क्यों? संगीत से तो बीमारियां दूर हो जाती है, इनके हार्ट का एक होल बंद नहीं होगा। म्यूजिक थेरेपी। बिल्कुल यस, मैंने सुना था संगीत में वो शक्ति है। आप बैठिए भैया, इट विल बी गुड फॉर यू। एम्बुलेंस को बुला लीजिए ना। एम्बुलेंस के आने तक ये रहेंगे नहीं ना। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हनी इज द बेस्ट। Ga ma ga pa 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 ma ma ni pa 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 ga ga ma ga sa 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 ni sa ga sa 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 ga 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 sa ga pa pa ma pa sa ni sa ga sa ni sa ga sa ga sa ni sa ga sa ga pa ga 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 sa 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 ni sa ga 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 sa ni pa pa ga sa ga sa ni pa ni pa ma ga ma ga। थैंक यू ये बताने के लिए कि मेरी बहू साक्षात सरस्वती है, ये सब मेरी बायोपिक। थैंक यू। बहुत देख लिया, चल। दरअसल लोक कला सालों में सीखते हैं, लेकिन इसने तुम पर जो गुस्सा था उस वजह से 30 दिन में ही सीख लिया। सिर्फ 30 दिन में? मुझसे इतनी नफरत करती हो तुम? एक्चुअली हमने सोचा था अंकल को बता दे आप लोग कौन हैं, लेकिन ये आप लोग के चेहरे जो लल पीले पीले हुए हैं, वो कैसे देखने को मिलते? यू नो, कम विद मोर आइडियाज, मोर फन, एंटरटेन करो। काली नजर है इनकी, चलो तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। अब यहाँ क्या कर रहे हो? उस कोने में जाकर डांस करो। ब्रो कंट्रोल कंट्रोल ब्रो कंट्रोल। सुनो मेरी हालत बहुत ही खराब है, मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं गांव चला जाता हूँ। कौन है तू? इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? इनकी वाट लगाने वाला कोई नहीं है।